हेलो बच्चों, चलो अब तक हमने स्टडी कर लिया था जो लास्ट टॉपिक थे उनके बारे में। आज उसका न्यूमेरिकल सेशन हम करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वेलोसिटी रिलेटेड हो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं पहले। द पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब एक कोई भी रेडियस आर का सर्कल है उसके अंदर मूव करता है। इट स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट होता है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी, तीन पॉइंट दे दिए। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी, कहाँ से कहाँ, ए से बी, ए से सी और ए से डी, और उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट करते हैं, केस फर्स्ट में करते हैं। फर्स्ट केस कहता है ए टू बी, जब ए टू बी जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है ना, तो उसका जो टोटल पाथ होता है, टोटल पाथ वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। अब ये उसका चौथा हिस्सा नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वो आ जाएगी हमारी 2 पाई आर बाई फोर, फोर से टू कैंसिल, पाई आर बाई टू, यानी कि पाई आर अपॉन टू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ये और ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये काउंट होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, मैं इसको आर डैश मान रहा हूँ, ये आर रेडियस है, आर रेडियस है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस 2 आर आर कोस थीटा, और कोस आ जाएगा 90। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, हमारा फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। इसकी जगह आर, इसकी जगह आर, इसकी जगह आर और इसकी जगह आर, और ये इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, आर और आर के बीच में, मतलब ये आपको पाथ निकालना है। तो ये आर है, ये आर है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो रख दो आप आर डैश दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का रूट। क्यों? क्योंकि कोस 90 होता है 0, कोस 90 कितना होता है? 0 होता है, क्लियर है। यहाँ से हम बात करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी आर डैश दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर स्क्वेयर, और यह आ जाएगा रूट 2 आर। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस कितनी थी? पाई आर अपॉन टू, और ये कितनी थी? रूट 2 आर, कैंसिल, पाई अपॉन टू रूट टू। दिस इज द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस एंड ए डिस्प्लेसमेंट। ये था केस नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट केस था। सेकंड केस की बात करें, ए टू सी, ए से सी की तरफ, अब ये यहां से यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे उधर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? केस नंबर दो हम बात करते हैं, केस सेकंड, ठीक है, ओके। केस सेकंड की बात करें तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? अब टोटल पाथ था 2 पाई आर, इससे आधा है, आधा ऊपर आधा नीचे है, तो आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, पाई आर आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट बात करें, डिस्प्लेसमेंट देखो आर तो ये है और आर है ये है, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट ये था हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2 आर, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या वैल्यू आ जाएगी? पाई आर अपॉन 2 आर, आर से आर कैंसिल, पाई बाई 2, क्लियर है, ओके। चलो थर्ड केस में कर लेते हैं। थर्ड केस में आ जाएगा हमारा, थर्ड केस में डी तक आएगा, ये पाथ होगा।
तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, फिर ये आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई भाई हाफ, तो ये थी 1/4, ये है कितना आ गया, 3/4 हो गया सर, 3/4 होगा ना, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगी कितना, 2π r, ठीक है ना, 2π r टोटल थी ना, टोटल थी, तो इसमें से आधी तो यहाँ तक कवर कर ली और 1/4 इसमें कवर कर ली, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, π r + π r/4 कितनी आ जाएगी? अरे भाई पाई आर कहाँ से, 2π r - π r/4, तो वैल्यू आगे से दिसी 4 LCM, कितना जाएगा, 1/8π r - π r, कितना आ गया, 7/4π r, बात वही आनी है, 7/4π r, ठीक है ना, ओके। कितनी आ जाएगी, 7/4π r नहीं आएगी, 3/2π r आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 / 2 हिस्सा यूज कर रहे हो आप, पाई आर तो ये कर रहे हो, 1/4 ये कर रहे हो, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 3/2π r आएगी डिस्टेंस, कितनी आ जाएगी, 3/2π r, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अरे यही तो आई थी, √2 r, दोनों का रेशियो निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, क्लियर है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, इसी प्रकार का इक्वेशन सर्कल की बजाय स्केयर में देगा, ठीक है। आप A, B, C और D, ठीक है, आप यहाँ से A से B गए और B से C गए, तो इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ लेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा, ठीक है, और डिस्टेंस क्या आएगा, ये जैसे इसको भी R ले ले, इसको भी R, तो ये आ जाएगा √2 r, ठीक है, तो यहाँ से तो क्या आएगा, 2 r, और इधर से कितना जाएगा, √2 r, तो आर से आर कैंसिल, सीधा √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2, क्लियर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन जो है आपका स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टडी करेंगे हम, आपकी स्क्रीन पर है ये रहा, हाँ दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आपने अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इस प्रकार से ही अरेंज किया है कि इसके अंदर तीनों इक्वेशंस आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी 3 m/s, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है यू इज इक्वल टू 3 m/s, ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है इसका 0.6 m/s, एक्सेलरेशन आपका है ये वाला, ये वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, तो टाइम कितना गिवन है, 3 सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको देखो वेलोसिटी टाइम पोजिशन टाइम तीनों इक्वेशन आपके सामने गिवन है, तो आपको निकालनी है फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस की इक्वेशन देख लो भाई, टाइम भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, तो वेलोसिटी टाइम में डिस्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ टाइम नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी तो है, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक
ठीक है, डिस्टेंस नहीं आएगी, यहाँ पे डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये इक्वेशन बनती है जिसके ऊपर टाइम है, ठीक है। ओके, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस हमें निकालना है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 3 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है हमें 3 सेकेंड का, प्लस हाफ ए कितना गिवन है, 0.6, 0.6 इंटू टी कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस हमारी आ गई 3 3 9 जमा, यहाँ से हम बात करें तो 1/2 इंटू 6/10 इंटू 3 इंटू 3, कैंसिल आउट 3 से, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 9 प्लस, अब मैं 3 3 9 कर दूं, चलो 9 इंटू 3/10, अब इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया, 1 प्लस 3/10, 9 इंटू 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 3 कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 13 इंटू 9/10, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको रख लो, सीधा 9 इंटू 1.3, जो बच रहा है उसको रखोगे, 9 3 27, 2 9 9 1 9 और 2 11, 11.7 मीटर की दूरी तय करेगा, लगभग 12 मीटर की दूरी। क्लियर है, आगे बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड पार्ट में, ठीक है। हाउ मच टाइम टू रीच द वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वेलोसिटी जो है वो जैसे ये तो थी इनिशियल, अब वो जो जिस पे पहुंचेगा वो होगी फाइनल, ठीक है। अगर वेलोसिटी, यानी कि इसने वेलोसिटी दे दी वी, अगर कितनी हो, 9 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, तो उस टाइम कह रहा है कि टाइम क्या होगा, टाइम पूछा है। तो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन, हम केस नंबर सेकंड कर रहे हैं, केस सेकंड, ठीक है। तो वी हमें 9 मीटर है, यू की वैल्यू हमें 3 है, प्लस ए हमें कितना था, 0.6 था, इंटू टी निकालना, इसको इधर ले जाएंगे, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.6, 6 0.6 टी, तो टी इज इक्वल टू 6/0.6, सीधा कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर वो वेलोसिटी इतनी ले सकता है। क्लियर है, अब कह रहा है कि एंड हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल टू गेन दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जब लेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो केस नंबर 3 हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, केस नंबर 3 में हमें डिस्टेंस निकालनी है, केस थर्ड के अंदर। तो देखो हमने दो इक्वेशन यूज कर ली, पहली वाली कर ली, दूसरी वाली ये वाली बच रही है। तो वेलोसिटी गिवन है 9 का स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो वी हमें गिवन है, यू ऑलरेडी थी, ए हमें गिवन है, एस निकालनी है, एस, ठीक है। तो वी है 9 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू एस, एस निकालने हैं, ये 81 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू एस, कितना आया, ये आया 11 में से 9 गए तो 2 2 ही, अरे 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ 7 बचा, 7 72 और 9 81 दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2 इंटू एस, सीधा ले जाओ इधर, 72 0.6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू एस, 720/12, 12 से कटेगा, 12 से 72, 60, एस कितनी होगी, एस होगी 60 मीटर, से 60 मीटर तक करेगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, तीनों इक्वेशन हमने एक क्वेश्चन के अंदर यूज कर ली है, ये हमारा था, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा था कि डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड वाले स्टेडियम से, ठीक है, एक एक टाइप में सबकी करवा रहा हूँ और आप भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहें, ठीक है ना। तो इससे हमें फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वेलोसिटी डायग्राफ। अब हमें डिस्टेंस टाइम, ठीक है, तो आप सब जानते हो कि अगर वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आता है ना, तो दो ही चीज़ें बनती हैं, या तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम या वेलोसिटी इंटू में टाइम, कोई दो चीज़ें बनेंगी, या तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इंटू टाइम हो तो डिस्प्लेसमेंट बनता है या डिस्टेंस बनता है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अरे ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो पढ़ते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्लियर है? ओके, तो इस टाइम को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ओके, अब अगर हम बात करें तो जो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी तो इधर, सॉरी, वेलोसिटी तो इधर है और टाइम इधर है, तो एक पैरामीटर ये और एक ये, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई अगर हम बात करें इन लाइन से, मान लो हमें ये मेजर करना है, ये लेना है, तो दिस इंटू दिस एरिया आ जाएगा ना। अरे एरिया का था हमने डिस्टेंस ट्रेवल का, एरिया ऑफ ग्राफ, यही तो कहा था हमने, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव में वो नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का रोल है, ठीक है। ओके, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का रोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर, ये ग्राफ आपका है, इस ग्राफ के अंदर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 और 7 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड था, 6 सेकेंड था यहाँ, ठीक है। ऊपर की तरफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर, नीचे 4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो मैंने इस ग्राफ को कुछ पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैंने ओ मान लिया, इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको डी, इसको यहाँ पे ई मान लिया, इसको एफ मान लिया, इसको जी मान लिया, इसको एच मान लिया, क्लियर है। और यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो अब बात करते हैं, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके पूरे का एरिया निकाल लो। अब एरिया, अब क्या करोगे, अपर वाले का एरिया अलग होगा, लोअर वाले का एरिया अलग होगा, पहले अपर फेस का एरिया निकाल लो, या स्टेप बाय स्टेप चलो। तो एरिया पहले निकालेंगे ओ ए, इसको पी क्यू ले लो, पी क्यू, इसके ऊपर पी क्यू ले लेंगे, ओ ए पी क्यू, ठीक है ना। तो ओ ए क्यू का एरिया, एरिया ऑफ ओ ए क्यू प्लस एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका, अब तक हमने इसका एरिया लिया था, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, अब इसका एरिया ले लेंगे, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, इसका कंप्लीट का एरिया, एरिया ऑफ यह आ जाएगा पी सी डी, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ गया नीचे, ठीक है, नेगेटिव आ गया तो प्लस ही ले लो इसको, क्योंकि माइनस ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है, ये ले लो नेगेटिव वाला, ठीक है। एरिया ऑफ, इसको पी क्यू लिया था, इसको आर ले लो, इसको एस ले लो, ठीक है, तो एरिया आ गया डी ई आर, एरिया ऑफ डी ई आर, ठीक है। इसके साथ ही इसका एरिया ले लो, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ई एफ एस आर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, ये इसका एरिया ले लो आप, ठीक है ना, इसका एरिया क्या लोगे, इसका एरिया ये ले लो, इसका एरिया, इसका एरिया ले लो ये वाला, ठीक है, एरिया ऑफ एफ जी एच, एफ जी एच। अब देखो इसके अंदर जो ऊपर वाले हैं वो तो ऊपर ले लिए हमने, नीचे वाले हैं उनको नीचे ले लिया, तो मैंने कहा था कि नीचे वाले टर्म जो है ये नेगेटिव आ जाएगी, इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो यह साइन दोनों को नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले का एरिया, ओ ए क्यू का एरिया क्या लोगे, ओ ए क्यू का एरिया लेके चलेंगे हाफ इंटू, ये कितना है, 1 है,
वन इंटू ये कितना है, फोर है, इंटू फोर प्लस इसका एरिया क्या लो, कितना लोगे, वन और फोर, वन इंटू फोर प्लस ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, इसका एरिया ये कितना था, वन, और ये कितना था, एट, तो हाफ इंटू वन इंटू एट इसका एरिया आ गया, इसका एरिया और ले लो, तो ये वन और ये वन टू और ये एट, ठीक है, तो ये वाली आ जाएगी प्लस वन बाई टू इंटू टू इंटू एट, ये तो थे पॉजिटिव वाले, जो कट रहा है उनको काट दो, दो दूनी चार, दो दो चौके आठ, दो दो से दो, तो कितना हो जाए, दो जमा चार जमा चार जमा आठ, आठ और चार चार आठ, 18 16 और दो 18, 18 तो प्लस वाला आ गया, नीचे वाला और निकालो, नीचे वाला एरिया निकालोगे तो इसका एरिया टाइम कितना है, 1 सेकेंड, और ये कितनी थी, फोर, तो वन बाई टू इंटू वन इंटू फोर टू, इसका एरिया चार और एक पाँच, 1 सेकेंड, और ये फोर प्लस वन इंटू फोर टू प्लस फोर कितना आ गया, सिक्स, ऊपर वाला तो आया 18, नीचे वाला आया सिक्स, तो 18 माइनस 6 12 मीटर, यानी कि इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी ना वो 12 मीटर होगी, ठीक है, मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी इनटू टाइम एरिया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इसका एरिया इसका इसका इसका, इन सब का एरिया निकालो और नीचे वाला एरिया में से घटा दो, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस से ट्रेवल आ जाएगी, क्लियर है, आगे बात समझ में, चलो ये था आपका डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में शुरू में, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा जो है आपका क्वेश्चन है। प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द सेम कंटिन्यू इंटरवल विल बी ए ओड नंबर, ठीक है, इसी के मैंने दूसरी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड अंडर फ्री फॉल, प्रूव दैट इट इज ओड इंच, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दोनों क्वेश्चन आपको थोड़े से वो लगे होंगे अट्टे, क्वेश्चन डायरेक्ट सा ये कहना चाह रहा है कि जैसे पहली सेकेंड में, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में, चौथी सेकंड में, चार सेकंड अलग अलग सेकंड, जैसे मान लो मैं यहाँ से मैं 1 घंटे के लिए दौड़ा, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पहले भी कहा है कि आपसे 60वां मिनट जो है, 60वां मिनट उसमें आप कितने दौड़े, ठीक है, वही पूछा है, तो इसमें इंडिविजुअल 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर पूछा है अंडर फ्री फॉल, ठीक है, ओके, यहाँ से अंडर फ्री फॉल हम बात करेंगे, तो अंडर फ्री फॉल की बात करें तो अंडर फ्री फॉल में, फ्री फॉल में, फ्री फॉल के अंदर हम बात करें तो यू जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो कि 0 होगी, क्या होगी, 0, ठीक है, ओके, और ए इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा जी के इक्वल, ए इज इक्वल टू जी, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारी आती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन nth सेकेंड, मतलब मैंने आपको अभी बताया nth सेकेंड मतलब nवा, मतलब जो भी सेकेंड आपने लिया, ठीक है, तो u की हम वैल्यू ले, u तो 0 आ गया, अब सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए डी एन दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन वाला फॉर्मूला होना चाहिए, तो यहाँ से u की वैल्यू, अब n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री एंड फोर, ठीक है, तो n की वैल्यू हम स्पेशल केस रखेंगे, n इज इक्वल टू वन का केस, ठीक है, तो डी वन दैट इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू a की जगह g यानी कि 10 अपॉन में टू, टू इंटू वन माइनस वन वैल्यू आ गई डी वन दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन टू 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वैल्यू आ गई सीधी सी
दो सॉरी 10/1 2 दैट इज इक्वल टू इन टू वन यानी कि 5। कितने आ गई? 5। सेकंड एन इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी d2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 10 बाई कितना आएगा 2, 2 गुणा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 10/2 गुणा में 3 कितना आ गया 5, 5 3 15। एन इज इक्वल टू 3 में क्या आ जाएगा, d3 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 सॉरी यहाँ 3 2 3 4 3 6 6 माइनस 1 5 कितना आ गया 10/2 गुणा 5 5 5 25। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ तो 5 मीटर ट्रेवल की, यहाँ 15 मीटर और यहाँ 25 मीटर। ठीक है, तो मैं अगर इनका रेशियो निकालूँ तो 5:15:25 तो हमारा रेशियो शायद ये आ रहा है, 5 एकम 5 5 3 15 और 5 5 25 तो 1 3 5 तो सारे ओड ही हैं, 1 3 5 तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो nth पीरियड के अंदर क्या होगी, ओड होगी। क्लियर है? ओके।